सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो पर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि टीम इंडिया के लिए आई एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जहां टीम इंडिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले खिलाड़ी की हो चुकी है वर्ल्ड कप 2019 में वापसी, जो कि खेलेगा भारतीय टीम की तरफ से। दोस्तों क्या है पूरा माजरा, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं इस वीडियो के क्या है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है, पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें टीम इंडिया के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए, तो भारतीय टीम का जबरदस्त ऑलराउंडर जो कि केदार जाधव वर्ल्ड कप 2019 से पहले फिट हो चुके हैं, जहां इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे आईपीएल 2019 में पंजाब के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे, जो कि उनके कंधे में चोट आ गई थी जिसके चलते वो प्लेऑफ से भी बाहर हो गए थे। तो वहीं इसके बाद बीसीसीआई ने कहा था कि केदार जाधव की चोट काफी ज्यादा गंभीर है और शायद ही वो वर्ल्ड कप 2019 में खेल पाए टीम इंडिया की तरफ से। लेकिन यहां पर अब केदार जाधव 100% फिट हो चुके हैं और वो भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए भी दिखाई देंगे वर्ल्ड कप में। आपको बता दूं कि 22 मई को भारतीय टीम को रवाना होना है लंदन, जो कि वर्ल्ड कप के लिए, जो कि चोटिल होने के बाद ही केदार जाधव टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट की निगरानी में थे। पिछले हफ्ते दोनों मुंबई में ही मौजूद थे, उनका फिटनेस टेस्ट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हुआ, जिनकी रिपोर्ट्स को पैट्रिक ने बीसीसीआई को सौंपा था, जहां उन्हें फिट घोषित कर दिया गया था। आपको बता दूं कि केदार जाधव भारतीय टीम की तरफ से 59 ओडीआई मैच खेल चुके हैं, जो कि 59 ओडीआई मैच में 43.50 की बेहतरीन एवरेज के साथ 1174 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी शामिल है। आपको बता दूं कि केदार जाधव एक जबरदस्त बल्लेबाज के साथ साथ टीम इंडिया के एक बेहतरीन उपयोगी गेंदबाज भी माने जाते हैं, जो कि 27 विकेट छटका चुके हैं और जब भी भारतीय टीम को विकेट की तलाश होती है विकेट निकालकर देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से भारतीय टीम का स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि नंबर 1 पर है रोहित शर्मा, नंबर 2 पर शिखर धवन, नंबर 3 पर विराट कोहली कप्तान, नंबर 4 पर लोकेश राहुल, नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 6 पर विजय शंकर, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 8 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 9 पर जडेजा, नंबर 10 पर केदार जाधव, नंबर 11 पर कुलदीप यादव, नंबर 12 पर मोहम्मद शमी, नंबर 13 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 14 पर भुवनेश्वर कुमार, जबकि नंबर 15 पर है युजवेंद्र चहल। दोस्तों ये रहा भारतीय टीम के 15 खिलाड़ी का कंफर्म स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए। आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लैंड में, जहां भारतीय टीम का पहला मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 जून को। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।